अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ अली पिंडीगर्ल और आप देख रहे हैं होम एंटरटेनमेंट चैनल। आज हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में और जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब हम सबकी सेंस देखना चाहते हैं कि सर्दी में भी क्या लोगों की कॉमन सेंस काम करती है। तो आए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी आज हम कॉमन सेंस चेक करना चाहते हैं, तो कर लें? ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा फल है हमारे पाकिस्तान का जो कौमी फल है? कौमी फल आम। आम कौमी फल है? नहीं। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको कुछ ना कुछ सुनाना होगा, ठीक है? ठीक है, लेट मी थिंक। नाशपाती। नाशपाती। अच्छा चलो सब्ज़ी का बता दें, सब्ज़ी कौमी सब्ज़ी कौन सी? करेला। करेला कौमी सब्ज़ी है भाई? नहीं है। चलिए, अच्छा आप हमें सॉन्ग सुना दें। कोई भी सॉन्ग सुना सकते हैं। तू आजा, तू आजा, मुझको मेरी सजा तो सुना जा, ये आहें हाय आंसू मेरे हिस्से के मुझको रुला जा, सपने सारे तेरे जिनमें मैं रहती थी, टुकड़े बन के तेरे जख्म सीने में कर गए हो, मैंने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क तेरा दर्द तेरा, मैंने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क तेरा दर्द तेरा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक साहब, तो आए इनकी कॉमन सेंस चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का एहसान है। आप यहाँ क्या करने आए? यहाँ पर घूमने आए और शॉपिंग करने के लिए। अच्छा जी, शॉपिंग तो बनती है भाई, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, तो आज हम आपकी कॉमन सेंस चेक करना चाहते हैं, कर लें? जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बग़ैर पाँव के भागती है? बग़ैर पाँव के कॉमन्स बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बग़ैर पाँव के भागती है? बग़ैर पाँव के नहीं है माइंड में। तो आपकी तो कॉमन सेंस तेज़ होनी चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी कॉमन सेंस बहुत ऊपर है, तो बताएं फिर आज। अच्छा, आप पहले अपनी कॉमन सेंस का सवाल का जवाब दें। कॉमन बगैर पाँव के बाकी है। चलो ठीक है फिर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आखिर में बताएंगे कैसी कौन सी चीज़ है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज हमने ऑलरेडी एक कॉमन सेंस चेक की है, हम आज आपकी भी चेक करते हैं, ठीक है? कि लड़कियों की कितनी तेज़ है। पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी गोभी। गोभी पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी है? हाँ। अच्छा, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है? सॉन्ग्स तो बहुत ज़्यादा हैं फेवरेट, उनमें से कोई एक सॉन्ग हमें सुनाएंगे आप? कोई एक आवाज़ मेरी अच्छी नहीं है। जैसी मर्जी आवाज़ हो, सॉन्ग आपने सुना तो आवाज़ अगर अच्छी नहीं है तो कौन सा सुनाओ, भी दिमाग में नहीं आ रहा। कोई शेर सुना दें। कोई शेर? शर्म अगर तुमको नहीं आती खामा किस मुंह से जाओगे गालिब। अभी यही दिमाग में आ रहा है फ़िलहाल। अच्छा, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कोई एक बात बोलते हैं, आपके उसका नाम भी बताना है आपने। अच्छा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बरीरा के लिए है। आई रियली अप्रिशिएट हर, बहुत मेरे क्लोज़ है वो और मेरी हर बात समझती है, सो आई लव हर। ये उसके लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आप सर्दियों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह, सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? मानसेहरा से। अच्छा, आप मानसेहरा से हैं, तो हम आज आपकी कॉमन सेंस देखते हैं, ठीक है? कि मानसेहरा की कॉमन सेंस कितनी तेज़ है, ठीक है? ओके। अच्छा, ऐसा कौन सा जानदार है जिसमें खून नहीं होता? ऐसा कौन सा जानदार है जिसमें खून नहीं होता। बताए ना, नहीं आ रहा माइंड। कुछ भी बता दें ताकि पता तो चले ना आपकी कितनी तेज है कॉमन सेंस। ऐसे में क्या फजूल में कोई भी जवाब दे तो नहीं आ रहा कोई भी माइंड। नहीं, फिर भी कुछ भी बोल दें। नथिंग। ऐसा कोई शानदार मेरे ख्याल में नहीं है, ऐसा कोई भी शानदार। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हुई आप? मैं इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा, आप इस्लामाबाद से हैं। अच्छा, आप पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? कौमी सब्ज़ी? थोड़ा सा हिंट दे दे। ये तो आप बताएंगे ना, कॉमन सेंस हम आपकी देख रहे हैं आज। कौमी सब्ज़ी, कौमी फल बता सकती हूँ मैं। कौमी सब्ज़ी भिंडी। भिंडी पाकिस्तान की कौमी सब्जी है? पता नहीं, कंफर्म तो मुझे भी नहीं लगी, मैंने तुक्का मारा। चलें ठीक है, भिंडी हो गई। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप पाकिस्तान से हैं, तो आप ये बताएं पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? पाकिस्तान की कौमी सब्जी आई थिंक आलू। वाह, क्या बात है। अच्छा चलें, आप जीत गए, लेकिन आप अपनी किसी भी अच्छी सी दोस्त जिसको आप दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से चाहते हैं, उसके लिए कोई शेर सुना दें। चलें, मैं एक जो है ना पोइट्री सुना देता हूँ, ठीक है? तो उसने दूर रहने का मशवरा भी लिखा है, उसने दूर रहने का मशवरा भी लिखा है, साथ ही मोहब्बत का वास्ता भी लिखा है। क्या बात है, बहुत बहुत। उसने ये भी लिखा है कि मेरे घर नहीं आना, फिर साफ साफ लफ्ज़ों में रास्ता भी लिखा है। कुछ हरूफ लिखे हैं उसने ज़ब्त की नसीहत के, कुछ हरूफ उसने हौसला भी लिखा है। क्या लिखें उसे मोहसिन, क्या कहें उसे मोहसिन, जिसने करके बेजान फिर जान जान भी लिखा है। वाह यार, क्या बात है, बहुत ही अच्छा शेर था जी। तालियां बजाएं मेरे लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में? मैं सेकेंड ईयर। क्या नाम है आपका? लारेब। अच्छा लारेब, सेकंड ईयर में हो। हम आज आपकी कॉमन सेंस चेक कर लें? कर लें। अच्छा, ऐसी कौन सी सब्ज़ी है पाकिस्तान की कौमी, उसका नाम बताएं। गोभी। गोभी पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी में आती है? आई थिंक सो। अच्छा चलो ठीक है, आप अपनी फ्रेंड का नाम बताओ। हाजरा। बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हाजरा। अच्छा, उसके लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? हाजरा जो है, उसने मेरी मुश्किल वक्त में बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। हमेशा से हम लोग 3 साल से तकरीबन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उसे यही कहूँगी कि जल्द से जल्द हम मिलें एक दूसरे से, क्योंकि 3 साल हो गए हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो कि हम मिलें। अमीन, अल्लाह आपको आपकी दोस्त से ज़रूर मिलाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। अच्छा, हम आपसे आज एक कॉमन सेंस का सवाल करना चाहते हैं कि आपकी कॉमन सेंस तेज़ है? जी जी। अच्छा, तो आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा जानदार है जिसमें खून नहीं होता? जी, कुत्ते को कभी वो देखा नहीं हम लोगों ने, कोई ज़्यादातर हम लोग जंगल में नहीं रहे, गांव के लड़के हैं हम लोग, घर पे ही रहे हैं। नहीं, ऐसा कौन सा जानदार है जिसमें खून नहीं होता? कुत्ते में सुनने में नहीं होता ज़्यादातर। कुत्ते में खून नहीं होता? आपने देखा उसमें नहीं होता? नहीं, देखा नहीं है, बस सुना है। आप? अच्छा, सुना है। किससे सुना है? जी जी, बस दोस्त वगैरह। अच्छा ठीक है, गुड हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपकी भी लेंस लगा के बहुत अच्छा। अच्छा, आपसे आज हम एक कॉमन सेंस का सवाल करते हैं, ठीक है? पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? खीरे। खीरे पाकिस्तान की कौमी सब्जी है? बना लेते हैं, जिसने बनाई होगी उसने भी तो फर्स्ट टाइम बनाई होगी। ये किसने नहीं बनाई? किसने लिखा है किताब में? तो ये किसने लिखा है किताब में कि कौमी सब्जी है? चलें, टमाटर कर लेते हैं, नाराज़गी की कोई बात नहीं है ऐसी। मैं आपसे नाराज़ नहीं हो रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ कौमी सब्जी कौन सी? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जिसने कौमी सब्जी बनाई है फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसने फर्स्ट करें टमाटर बनाएँ, तो मैं भिंडी बना लेता हूँ। नहीं, किसी जगह लिखा तो नहीं है ना कौमी सब्ज़ी इसी को होना चाहिए? नहीं ना, आप गलत जवाब दे। आप मुझसे पूछें आपकी फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है, फिर मैं जवाब दे सकूँगा। कौमी सब्ज़ी जिसकी पसंदीदा उसकी वही कौमी सब्ज़ी है। अच्छा ठीक है, चलें आप कोई शेर या कोई गाना ही सुना दें। शेर गाना तो नहीं है, होम एंटरटेनमेंट एक अच्छा प्लेटफार्म है जिसके ऊपर नए लोगों को प्रमोट किया जाता है। तो जो नए यूज़र हैं या जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को, पेज को अप्रिशिएट करने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्लाह। अच्छा सर्दियां तो स्टार्ट हो गई हैं, आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों? एक्चुअली मैं तो एबटाबाद से आया हूँ यहाँ पे, और हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी और जो ही बारिशें शुरू हो जाती हैं, अभी तो शुरुआत है, तो हम लोग वहाँ पे बारबेक्यू करते हैं और बड़ा अच्छा वहाँ पे स्वेटर और गर्म वो कर लेते हैं और बड़ा इन्जॉयमेंट होती है। अच्छा आप आज इस्लामाबाद में हैं, ठीक है, तो आपके हम आज कॉमन सेंस चेक करेंगे कि एबटाबाद की कॉमन सेंस कैसी है, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा जानदार है जिसमें खून नहीं होता? जानदार तो सारों में ही खून होता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक तो अमीबस जो होते हैं इसमें वो ब्लड नहीं होता। अच्छा और मतलब ये जो अपने पानी वाले जो होते हैं जानदार, इनमें मेरे ख्याल से तो यही है। अच्छा पानी वाले जो जानदार है उसमें खून नहीं होता? नहीं सारे नहीं होते, उसमें एक ये जो मैंने आपको बताया अमीबा जो होता है और इस तरह की जो स्टारफिश होगी इसमें जो है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाज़रीन उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी होम एंटरटेनमेंट की तरफ से। तो हमारे जो सवालात थे आज के, हम उनको आपके जवाब भी दे देते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाँव के बगैर भागती है? तो वो है वक्त, जिसको आप कभी भी नहीं रोक सकते। और इसके अलावा ऐसा कौन सा जानदार है जिसके अंदर खून नहीं होता? तो वो है मकड़ी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी होम एंटरटेनमेंट की तरफ से ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ मज़ीद देखने के लिए हमारे होम एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कैमरा मैन जुनैद के साथ मैं हूँ दुआ अली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।